गुरुवार को मुंबई विद्यापीठ के कल्याण उपकेंद्र के उद्घाटन में जमकर बवाल हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। निमंत्रण पत्रिका में मुंबई विद्यापीठ के तत्कालीन उप कुलगुरु डॉक्टर नरेश का नाम नहीं होने के कारण एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस फौरन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और उन्हें महात्मा फुले पुलिस स्टेशन रवाना किया गया। शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे के आने के बाद मुंबई विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर सुहास पेड़नेकर, गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंदर वायकर, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद श्रीकांत शिंदे और कल्याण की महापौर विनीता राणे के हाथों उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद फिर बवाल हुआ। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता अंदर घुस गए थे, वहां भी जमकर विरोध हुआ। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पकड़ा और घसीट कर बाहर लेकर आई। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनसे के तत्कालीन विधायक प्रकाश भोईर ने विद्यापीठ के काम में भरपूर मदद की थी, लेकिन निमंत्रण पत्रिका में नाम नहीं होने के कारण मनसे के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें भी ताबे में लिया और पुलिस वैन में डालकर रवाना हो गए। शिवसेना ने कार्यक्रम को किया हाईजैक, ऐसा स्पष्ट दिखाई दिया। बैनर से लेकर कार्यक्रम तक शिवसेना के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया, जिसके कारण बीजेपी के कद्दावर नेता, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री रविंद्र चौहान, बीजेपी सांसद कपिल पाटिल, पवार नदारद रहे। सातत्याने युवा सेनेचे आंदोलन असतील, महापालिकेकडून रिक्वेस्ट असेल, पालकमंत्र्यांचा फॉलोअप होता, पण ह्यावेळी व्हाईस चान्सलर साहेबांनी लवकरात लवकर सुरू करून घेतलेलं आहे। इथे दोन चांगले कोर्स मोठे सुरू होतात आणि इथूनच विद्यार्थ्यांना जो जास्ती त्रास व्हायचा आधी सर्टिफिकेटचा असेल, कॉन्वोकेशनचा व्हायचा, ते तर कमी होणार आहे। तसंच जसं मी सांगितलं की इतर ठिकाणी देखील असे उपकेंद्र चालू होणं गरजेचं आहेत। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्हाईस चान्सलर साहेबांनी जी पावलं उचललीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची असेल, आत्ता मी त्यांना व्हर्च्युअल क्लासरूमचं सांगत होतो, ते आपण बघणं गरजेचं आहे। आणि मी खरोखर युनिव्हर्सिटीचं अभिनंदन करू इच्छितो की पहिल्यांदा आम्हाला ह्या एक दीड दिवसात कुठेही आंदोलन न करता चांगली पावलं घेता आलेली आहेत। असंच सहकार्य आमचं नेहमी राहील आणि फक्त युवासेना नाही तर सगळ्याच विद्यार्थी संघटनांना मी अपील करेन की जी काही चांगली कामं असतील ती एकत्र बसून पुढे नेणं गरजेचं आहे, कारण हे सगळं विद्यार्थ्यांसाठी आपण करतो, शिक्षकांसाठी करतो आणि प्रिन्सिपलसाठी करतो आहे। शिक्षणाचा दर्जा ह्याच्यात वाढला पाहिजे। केंद्र सरकार न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणते, त्याच्यात देखील आम्ही प्रत्येक संघटनेने आमचे जे काही मतं असतील ते देणं गरजेचं आहे। कार्यकर्ते सगळ्यांनी एकत्र